हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अ क्यूट रेस्टोरेंट बॉय और अ डाइवोर्स ऑफिस बॉय के बीच की लव स्टोरी में आपका स्वागत है इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें सोंगा साई और उस लड़की को साथ में ड्रिंक करते हुए दिखाया जाता है तभी वहाँ पर बैठा वो बुढ़ा इंसान कहता है कि साके उन दोनों, उन दोनों को देखो उन दोनों को देख के ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में कुछ तो है तो यहाँ पे साके कुन बहुत ज्यादा सरप्राइज होकर इन दोनों को घूर घूर के देख रहा होता है तभी यहाँ पे संगा साहि कहता है की क्या तुम एक और ग्लास ड्रिंक पीना चाहोगी तो यहाँ पे लड़की कहती है की सोंगा साई मुझे तुमसे कुछ कहना है तभी वहाँ पर बैठा बुढ़ा कहता है की क्या कहीं वो कन्फर्स तो नहीं करने वाली सोंगा सोंगसाई घबराते हुए कहता है और वो क्या है तो यहाँ पे लेडी कहती है कि सौंग क्या तुम तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सभी लोगों के सस्पेंस बने हुए होते हैं तो यहाँ पे लड़की कहती है क्या तुम्हें ओसाका के लोग पसंद नहीं है लेडी की उनका सब लोग बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं तो यहाँ पे लेडी कहती है इससे पहले हम लोग करें मैं तुमसे ये चीज पूछना चाहती हूँ क्या बोल रही है क्या सोचा और क्या निकला मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे साके कौन कहता है की मुझे भी नहीं तो यहाँ पे सोंगा कहता है की नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं है तो यहाँ पे लेडी कहती है की जब कोई तुमसे मजाक करता है तो तुम्हारे एक्सप्रेस बहुत ज्यादा तनावपूर्ण रहता है और शायद उस टाइम तुम ये सोचते हो की मुझे ये पसंद नहीं है ना तो यहाँ पे सौगा साई कहता है कि अगर तुम उसकी बात कर रही हो तो तभी आप लेडी कहती है कि बस मैं समझ गई अब आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर तुम अपनी भावनाएं छिपाते हो तो तुम दूसरे लोगों पर अपना भरोसा कैसे बना पाओगे तो आप तुम मुझे ईमानदारी से बताओगे तो यहाँ पे सौंगा कहता है की मैं सच में इसे पसंद नहीं करता हूँ तो यहाँ पे लेडी कहती कहते है कि क्या सच में तो यहाँ पे सौंगा साई कहता है कि सच में और इससे पहले की सौंगा साई लेडी कुछ कहे तभी वहाँ पे साकेकुन जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना कि मेरी वजह से आपको इतना इंतजार करना पड़ा तो यहाँ पे सौगा साई साके कु को बहुत ज्यादा थैंक्स बोलता है यहाँ पे उस लड़की से कहता है की मैंने गलती से आप लोगों के सारी बातें सुन ली लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ गलत फहमी हुई है क्योंकि अभी पिछले ही दिन साकेकुन सॉरी सौंग सा यहाँ पर आया था और वो यहाँ पे लोगों के साथ खाना खा रहा था और उसने यहाँ के लोगों के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से बातचीत की थी तो यहाँ पे लेडी कहती है की ओर ऐसा क्या तो पे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है की काम की वजह से बहुत ज्यादा नर्वस है है ना तो यहाँ पे सौगा से कहता है कि, मुझे भी ऐसा ही लगता है तो यहाँ पे साकेकुन कहता है की आप इसको थोड़ा सा उस समय दीजिए सब कुछ ठीक हो जाएगा यहाँ पे लेडी कहती है की मैं समझ गई मुझे माफ करना की मैंने अपने मन में फालतू के डाउट पैदा किए तो यहाँ पे कहता है की कोई बात नहीं तो यहाँ पे साके कुछ चीजों के बारे में ठीक से पता नहीं होता है तो हमको वो सारी चीजें कठिन लगती है और ये नॉर्मल सी बात है फिर तो यहाँ पे साके कुंड लीडी ये दोनों लोग थोड़ा सा करते हैं, और उसके बाद ये का बनाया हुआ खाना टेस्ट करती है और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती है की खाना बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है उसको बहुत ज्यादा थैंक्स बोलता है नेक्स्ट सीन में को दिखाया साके कुछ की सोंगा साई को ड्रिंक दे रहा होता है और उसे कहता है तुम्हारे कली कितने ज्यादा उत्सुक है सभी तुमसे बहुत प्यार करते हैं तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तुमसे रिलेटेड मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने में सफल रहा तो यहाँ पे सोंगा साई कहता है, है कि और वो भी नहीं हो पाया ये सुनकर साके बहुत ज्यादा शौक होता है तो संगा से कहता है एक्चुअली मेरा मतलब वो नहीं था ऐसा नहीं है मैं लोगों को पसंद नहीं करता हूँ मैं बस थोड़ा बहुत उनको पसंद नहीं करता मुझे बस ऐसा लगता है की मैंका के लोगों के साथ बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल नहीं हूँ अब ये सुनकर तो उनके होश उठ जाते हैं बहुत ज्यादा शौक हो जाता है उनकी वो तेज आवाज और वो कितना जल्दी जल्दी बोलते हैं और ऐसा लगता है कि वो हमेशा किसी न किसी से कुछ न कुछ एक्सपेक्ट करते रहते हैं फिर हमें पास्ट एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सौंग साहि एक प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दे रहा होता है प्रेजेंटेशन देने के बाद वो कहता है की मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे इंड होता है तभी यहाँ फिर गुड्डा कह रहा है कि पंचलाइन कहाँ पर है पंचलाइन के नाम सुनकर तो सोंगा साई बहुत ज्यादा शौक हो जाता है वहाँ पे दूसरा इंसान कहता है कि बिना पंचलाइन के प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन नहीं होती तुम साखा के लोगों को समझते हो ना एक जो के थ्रू लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए बल्कि बात तो ऐसे की तुमको हर एक तीस सेकंड के बाद एक जो करना चाहिए डोंट अस और ये सारी बातें सुनकर सोंगा साई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है फिर हमें प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है जहाँ पे वो साके को ये सारी चीजें बता रहा होता है बहुत ज्यादा रो रहा होता है ये सब सुनकर साके बहुत ज्यादा हैरान होता है फिर हमें देखा जाता है की साके किसी पानी का कुछ होता है उसे में नहा धो रहा होता है जहाँ पे चला के कहता है कि ये किस तरह का प्रोजेटाइज है अगर सच में इस तरह की कोई वाहिया कंपनी है तो कोई मुझे बताए की ऐसा बोलकर वो उस जगह से बाहर निकल आता है देखा जाता है कि का नामे जो होता है वो पैसा वैसा पे करता है ये दोनों लोग बाहर आते हैं और तभी यहाँ पे सोंगा साई का मैसेज आता है साकेकुन के पास जिसमें लिखा होता है की कल के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया तुम्हारा वो जैपनीज मीट और वो पोटेटो वाली डिश बहुत ज्यादा डिलीशियस थी तो यहाँ पे का नामे साकेकुन को इतना स्माइल करते हुए देखता है और उसे कहता है कि अब क्या हो गया तुमको हाँ तुम इतना ज्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो अब मुझसे ये मत कहना कि तुम दोनों ने एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर भी चेंज कर लिया है तो साकेकुन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो बस वो ये कह रहा है कि वो आज से अकेले खाना खाने आएगा वो बस बहुत ज्यादा पोलाइट होने की कोशिश कर रहा है वैसे भी टोक्यो के लोग झूठ बोलने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं से एक और मैसेज करता है जिसमें उसने लिखा होता है की क्या मैं दोबारा से आ सकता हूँ अब ये देख कर तो साकेकोन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और बहुत ज्यादा स्माइल करता है क्या वो सच में यहाँ पे दोबारा आना चाहता है तभी यहाँ पे करामे कहता है कि खैर अच्छा है इन सालों में मैंने तुम्हारा इतना हंसता हुआ चेहरा कभी नहीं देखा और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने रोमांस करना भी दिया होगा ये तो पे कहता है कि रोमांस से थोड़ा अलग है ये बिल्कुल एक ऐसा है कि मैं चुपचाप से अपने दिल में ही उसकी तारीफी करता रहता हूँ मैं फिर से उन दर्दनाक दिनों से नहीं गुजरना चाहता और खुद को बहुत ज्यादा हर्ट करना चाहता हूँ अब, अब मुझे अपने आप को इसी तरीके से ब्रेक करना होगा तभी मैं पास्ट के एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैकेकोन अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ होता है और उससे कहता है की मुझे ऐसा लगता है की हमें यही पे अपने रिलेशनशिप को खत्म कर देना चाहिए चलो हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है की जब लोग एडल्ट हो जाते हैं तो उनका बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और हमें करंट के साथ ही खुश रहना चाहिए तो यहाँ पे नाम कहता है कि अगर तुमने ये डिसीजन लिया है तो मुझे लगता है कि फिर ठीक ही है ये कह देना कि तुम चेंज नहीं हो सकते क्योंकि तुम अब वयस्क हो गए हो यह सच में गलत है नेक्स्ट सीन हमें को जाता है जो कुकी बेड पे लेटा हुआ होता है और अपने मन में कह रहा था की बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ मैं सच में बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ और तभी वो फिर से सोंगा साई के बारे में सोचने लगता है साके कुंडा साई के बारे में सोचने से अपने मन को रोक नहीं पा रहा होता है और खुद को कंट्रोल करने के लिए वो एक पिल्लो लेता है और उसको बहुत ज्यादा जोर से हक कर लेता है और कोशिश करता है की सोंगा साई के बारे में ना सोचे नेक्स्ट सीन हमें साके कुंड

भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है लोग बदल सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी एज क्या है अभी भी बहुत समय है तुम भी बदल सकते हो लेकिन बस तुम एक बहाना ढूंढ रहे हो खैर बस थोड़ा सा इंतजार करना और सब बोलकर यहाँ पे जो साकी कुंड होता है वो एक जैपनीज फूड एस ऐसा कुछ होता है उसको बनाने लगता है जो की एक्चुअल में सोंगासाई को पसंद नहीं होता लेकिन चूकी उसको साकिन ने बहुत प्यार से बनाया होता है सोंगासाई साई उसे बनाया कैसे कर सकता है तो यहाँ पे साकिन सोंगा साई से कहता है की अगर तुम चाहो तुम इसे ट्राई कर सकते हो मैं तुमको जबरदस्ती नहीं करूंगा फाइनली यहाँ पे सोंगासाई बहुत ज्यादा घबराते हुए उस डिश को ट्राई करता है え <music> यानी कि पसीने उसके बहुत छूट रहे होते हैं लेकिन जब उसके टेस्ट को फील करता है तो उसके चेहरे पर एक बहुत ज्यादा स्माइल आती है इस स्माइल को देख कर साके कुकुन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता तो है यहाँ पे सोंगा साई बहुत प्यार से वो सारा का सारा खाना फिनिश कर देता है और फिर उस साके से कहता है कि थैंक यू वेरी मच खाना बहुत ज्यादा डिलीशियस था सोंगा साई को इतना ज्यादा खुश देख देखकर साकि का दिल फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है और फाइनली रेस्टोरेंट बंद करने का समय हो गया होता है तो यहाँ पे साके कुकुन जो होता है वो सारी चीज़ों को समेट रहा होता है तभी उसे किसी के

के है कि मुझे माफ करना और हाँ टॉवल के लिए थैंक यू वेरी मच और बोलकर वो अपने उसमें को से लगता है और यहाँ पे खुद पे कंट्रोल करता है और वो वहां से साइड हो जाता है।, पे है कि आज के लिए वजह से मैं खुद को बदल पाया तो यहाँ पे साकेकुन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है तुम कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर रहे हो सौगा से कहता है कि ऐसा नहीं है एक्चुअली मेरे नजरिए महत्वपूर्ण कदम था उनका साकेकुन स्माइल करता और कहता है कि ओ ऐसा क्या है कि बहुत समय पहले किसी ने ये कहा था कि मेरी सच्ची भावनाएं कभी भी विजिबल नहीं होती लेकिन इसके बावजूद भी मैंने हमेशा वेल मैनर्ड कहलाने के, के लिए मेहनत करी है और अपने जिंदी पानी की वजह से लोगों को खुद से दूर रखा है मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी तरीके से जीता रहा तब तक जब तक मैंने खुद को बदलने का मौका नहीं जाने दिया लेकिन आज लेकिन आज हाँ जब साकी कुंड ने मुझसे वो सब कहा तो मैं उन सब चीजों को बहुत ज्यादा सिंसियरली सुन रहा था और सच में इन सब चीजों से मैं बहुत ज्यादा खुश था मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुद से खुद को कैसे समझ पा रहा हूँ लेकिन हाँ ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने इस तरीके का कुछ महसूस किया है अनजान शहर में अकेले आना मैं सच में इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहता था लेकिन साकी कुंड जैसे किसी इंसान से मिलना सच में ये बहुत ज्यादा अच्छा है थैंक यू थैंक यू वेरी मच साकी कुंडत की बातें सुनकर साकी की आंखों में आंसू आने लगता है सकीकुन की आंखों को देखकर संगत सही कहता है कि ओ आई एम सॉरी ये सुनने में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा तो यहाँ पे अपनी आंखों में आंसू तो लिए हुए साकेकुन कहता है कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह कि तुम अभी भी चेंज हो सकते हो है ना सकेकुन की बातें सुनकर सोंगा साई थोड़ा सा शौक होता है लेकिन यहाँ पे जो साके कुन होता है सोंगा साई को घूर के देख रहा होता है और मतलब पास्ट की कुछ चीजों को याद करता है जहाँ पे वो सोंगा साई के कुछ हसीन मोमेंट को याद कर रहा होता है फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साकेकुन का दिल कहता है ओ नहीं और यहाँ पर शाकिखुन हड़बड़ाते हुए कहता है एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि सोंगसाई मुझे और उषा का हम दोनों को और ज़्यादा पसंद करें तभी तो शाकिन के दिल से आवाज़ आती है कि अगर मैंने और कुछ कहा तो तभी यहाँ पे साकेकन खुद पे कंट्रोल ही कर पाता और उस सोंगा साई से कहता है सोंगा साई आई लाइक यू बट मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ साकेकोन की बातें सुनकर सोंगा साई थोड़ा सा शौक होता है क्योंकि ये सब उसके लिए नया है सो फ्रेंड ये एपिसोड अपिसोड पे खत्म होता है इसका नेक्स्ट एपिसोड जैसे रिलीज होता है मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा आई एम रियली सॉरी की मेरी वीडियो में बैकग्राउंड में आपको बहुत ज़्यादा नॉइज सुनने को मिल रहा होगा वो एक्चुअली मेरे घर के बगल एक लोगों के घर पे लिंटर पड़ रही है तो मैं उस नॉइज़ को तो नहीं हटा सकता और ये वीडियो पब्लिश करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कल मेरी दस बजे लाइव थी और मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए थे आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे